मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र एहसान है और नफ़े मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस काबिल समझे पार्टी में ज्वाइन किए और आने वाले भाई इलेक्शन से ये IMIM के कैंडिडेट के तौर पर पेश किए और उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आने वाले दिनों में इलेक्शन में पूरी भरपूर ताकत के साथ भरपूर मेहनत के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर नकीब मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब को एक तोहफा पेश करूंगा इंशाल्लाह। और बसो कल्याण की अवाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने हम पे जो भरोसा किया है इस भरोसे को कायम रखते हुए अब तमाम इत्तेहाद का मुजाहरा करके AIMIM को कामयाबी दिलाए। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक के इलाके बसवा कल्याण असेंबली हल्के से जिमनी इंतखाब के सिलसिले में यहाँ पर इलेक्शन मुनद होगा और इसके लिए नतीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पे जनाब अब्दुल रज़ाक साहब उर्फ बाबा चौधरी जो वहाँ की घर की आती शख्सियत है उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से टिकट दिया गया है। अभी हाल ही में इस सिलसिले में वहाँ के लोग आके मुशावरत किए थे और सदर मजलिस ने काफ़ी गौर खोज के बाद ये फैसला लिया कि इस ज़िमनी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसवा कल्याण असेंबली हल्के से मुकाबला करेगी। इंशाल्लाह तमाम नतीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर पार्लियामेंट और तमाम मजलिस अराकीन असम्बली का मुसलसिल वहाँ पर इंतखाबी दौरे होंगे और सब जाके वहाँ पे दौरे करेंगे और इस कंपेनिंग में पूरे लोग शरीक रहेंगे। हमारे समुद्दीन अफ्तार साहब के बहुत जिम्मेदारी दी गई है उनकी निगरानी में पूरे प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से तो अल्लाह वहाँ से हमको कामयाब करे। इंशाल्लाह आवाम से भी आपके चैनल के जरिए बसवा कल्याण के वोटों से अपील की जाती है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब करे जिनका निशान इम्तियाजी पसंद होगा और वहाँ नाम निशान भी कल उसमें दाखिल किया जाएगा। उसके बाद नतीजे इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा सदर मजलिस की हिदायत पर उनकी हिदायत पर पहली के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा। मुसलसिल जलसे पैदल दौरे और ग्रुप मीटिंग हम आप रखेंगे ताकि राय अम्मा को हमवार करें मजलिस की तायद में। इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश होगी इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का करीब आगाज होगा। शुक्रिया।